प्यार की इस देवी के प्यार के ऐसे ही तीर के निशाने पर थी एक बार सुचित्रा पिल्लई। तीर क्या लगा उनको, उनके जीवन में देखो प्यार ही प्यार भर गया और आज तक इनकी लव स्टोरी कितनी रोमांटिक है। वैलेंटाइन मतलब प्यार का दिन और प्यार का अंजाम होता है शादी। इसलिए आज सास बहू और बेटिया में हम आपको मिलाने वाले हैं कुछ जिनकी शादी को अरसा हो गया है लेकिन उन्होंने अपने प्यार की क्षमा को अभी तक जला के रखा हुआ है। सुचित्रा पिल्लई और उनके डैनिश हस्बैंड लार्स की शादी को अरसा हो गया है। तो क्या शादी के बाद प्यार की क्षमा बुझ जाती है, क्या रिलेशनशिप में बासीपन आ जाता है, क्या रोमांस फीका हो जाता है? जी हाँ, यही जानने के लिए आज हम वैलेंटाइन वाला डे आउट जाएंगे इनके आशियाने में और जानेंगे कि इनके प्यार की क्षमा अभी कितनी धड़क रही है, लेंगे इनके प्यार का इम्तिहान, खेलेंगे इनके साथ प्यार वाले गेम्स और वैलेंटाइन पर हम ये जानेंगे कि शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी में वैलेंटाइन डे यानी प्यार के दिन की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो शुरू करते हैं शादीशुदा जोड़ों के लव स्टोरी की कहानियाँ। सुचित्रा पिल्लई और उनके डैनिश हस्बैंड लार्स की शादी को अरसा हो गया है यानी अलग अलग लव स्टोरी। तो शुरू करते हैं शादीशुदा जोड़ों के लव स्टोरी की कहानियाँ। सुचित्रा पिल्लई वैसे तो केरलाइट है लेकिन सीरियल्स में कई किरदार निभाती हैं और इनके पति लार्स हैं डेनमार्क के। इनकी शादी हुई थी 2005 में और इस लंबे अरसे के बाद भी जरा देखिए इनकी केमिस्ट्री। दोनों बॉलीवुड गानों पे डांस करते हैं, लार्स इनके लिए गाना गाता है so 15 years, no. Oh, so it's again Valentine's Day after 15 years. My God, I understood that. After 15 years. Oh, was Kerlighed har aldrig været større. Our love has never been What? दोनों कन्फेशन टेबल पर एक दूसरे के प्यार का इम्तिहान देते हैं। तो जानते हैं इस पूरब की लैला और पश्चिम के छैला की लव स्टोरी। चलते हैं सुचित्रा और लार्स के घर पर। सास बहू बेटिया की दर्शकों को सुचित्रा पिल्लई की तरह से बिग 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 हाय एंड आई एम एक्साइटेड टू बी ऑन द शो हियर टुडे। लार्स, हेलो। That is Lars, my husband. We have been married 15 साल से शादी की है हमने and किसी ने मुझे वार्निंग नहीं किया था 15 साल। एक्चुअली यू नो मैं सोचती थी उनके जो दोस्त थे जब हमने अनाउंसमेंट किया कि हम लोग शादी कर रहे हैं उनके दोस्त बहुत ही हैप्पी थे। बहुत ही वाह 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 थैंक यू वेरी वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं बोल रही थी ये इतने खुश क्यों हैं कि हम लोग शादी कर। वी मेट इन बॉम्बे एंड थ्रू कॉमन फ्रेंड्स और हम लास्ट वाज माय फर्स्ट टाइम या आई वाज आई जस्ट बीन पोस्टेड इन वियतनाम सो आफ्टर माय फर्स्ट टूर कमिंग बैक देन वी रैन इनटू ईच अदर एट अ फ्रेंड्स प्लेस Actually, at the table that is outside. हाँ, there's a table on our terrace. Called the confession table, yeah. हाँ, वो table जो है बाहर जो आपको दिखाएंगे, वो उसी table पे मिले थे। वो हमारे दोस्त के घर में था और सब लोग उधर jenga खेल रहे थे। That was the first time I met Lars. हम लोग साथ साथ बैठे थे around the table. Relationship was 11 months. 20th of May. Yeah, and 20th of May 2005. Yeah. 2005. There was no opposition. Family से तो बिल्कुल ही नहीं था। My family has always given me and my sister very cosmopolitan upbringing. बहुत ही open-minded किस्म के लोग थे। And they are people. My parents are people who my
father has lived abroad and everything. So, you know, aisa koi traditional views nahi tha ki tumhe foreigner se shaadi nahi karna. And I've been married once before. But there was no thing that, you know, oh, you're marrying a foreigner, aisa kuch nahi. Absolutely. And they were more than happy, very, very happy. And everyone, touch wood, you know, without too much of... बिना कोई एक्स्ट्रा ट्राइंग एफर्ट सब कुछ ठीक ही हो गया. और हाँ, इवेंचुअली और 11 महीने बाद हम लोग की शादी हो गई. सो लिटरली 11 मंथ्स आफ्टर वी स्टार्टेड सीइंग ईच अदर हम लोग ने शादी कर ली. दो किस्म की शादी थी. वन वाज केरला में ट्रेडिशनल मलयाली वेडिंग बैक वाटर्स में. इनके फैमिली फ्रेंड्स आ गए उधर से. एंड हाँ, बहुत ही अच्छा. इट वॉज अ वेरी मुंडू और कुर्ता सब कुछ पहन के. तो उनके लिए एक्सपीरियंस था, यू नो, टू सी दैट सॉर्ट ऑफ अ वेडिंग. सिंपल सा है, मलयाली वेडिंग इज सिंपल, लेकिन बहुत अच्छा लगा उन लोगों को. और कुछ इनके बैक वाटर्स में था, तो इट वॉज रियली रियली ब्यूटिफुल. और उसके बाद दैट वॉज मे, एंड देन जुलाई वी वेंट टू डेनमार्क. वहाँ के फॉर हिम हिज रिलेटिव्स and other friends etc. aur wahan pe it was beautiful because you know every girl likes to have ye white wedding ke bare mein sochte hain isko har ladki, you know, fairy tale romance jaise. aur ye ekdam mere liye ye hua hi kyunki shaadi was in an old castle in Denmark. and wahan pe you know the castle has been converted. to niche wo dungeons jahan the wahan pe reception tha, you know, it really really beautiful. तो बहुत ही अच्छा था. तो आई हैड टू टाइप्स ऑफ सेरेमनीज. हमारा इट्स बिन रियली नाइस. दो साल शादी के दो साल बाद वी हैड अनिका आवर डॉटर. एंड दैट वाज यू नो द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट कुड हैव एवर हैपेंड टू अस. मेरी तो उम्र 37 थी तभी, यू नो, या मल्लू वाइकिंग उसको बुलाते हैं, मलयाली वाइकिंग, या सो या फिर डेनिश डोसा. सो that has been another amazing part hamari shaadi mein, in our marriage story. She's been a revelation. Bahut hi, I mean, ab wo 12 saal ki ho gayi hai. And you know, har din kuch na kuch to hum seekhte hain usse. So yes, it's been a beautiful journey and it's been great. The good thing about Lars and me, hamara ye ek baat ye hai ki our likes, dislikes and all are pretty much same. You know, hame पिक्चर देखना अच्छा लगता है, हमें ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, यू नो, द सेम काइंड ऑफ थिंग्स. दोस्तों के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं, हाउ वी आर बोथ, यू नो, एक्सट्रोवर्ट पीपल, वी लाइक मीटिंग पीपल, वी लाइक हैविंग पीपल ओवर. तो वो सब मैच था, यू नो. अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब कपल्स में एक इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट है. तो यू नो, यू आर फोर्सिंग द अदर पर्सन टू डू समथिंग जो इट्स नॉट देयर इन आवर रिलेशनशिप, यू नो, टच वुड. एंड गाने के बारे में बोल रहे हैं कि ये गाते थे ऑल लाइफ. साल की इस जर्नी में दैट्स व्हाट हैज रियली स्ट्रेंथेंड अस, द कनेक्शन दैट वी हैव. और हम लोग, यू नो, वी आर नॉट द काइंड ऑफ कपल हु लाइक टू गो ऑन एंड स्प्लर्जिंग ऑन हॉलीडेज एंड दिस एंड दैट एंड द अदर. क्वालिटी टाइम, स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग एन ओपन हाउस जहाँ पे जो भी चाहे आ सकते हैं हमारे साथ, हमें मिलने के लिए, टू हैंग आउट विद अस. दैट्स द काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी हैव. और थ्रू आउट, आई मीन, माय करियर एंड एवरीथिंग, लार्स हैज बीन अ ह्यूज 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 सपोर्ट. आई थिंक कोई भी कपल इन, यू नो, इन एनी कपल, दैट्स द बिगेस्ट थिंग, दैट यू नो, टू बी सपोर्टिव ऑफ द अदर कपल. एंड आई हैव टू से विदाउट लार्स, आई मीन, मैं जहाँ पे हूँ फिलहाल, मैं कभी नहीं रहती, यू नो, बिकॉज ऑफ द वे ही इज handled Anika, the way he's, you know, been around whenever I've not been around is commendable for any man. And that's the balance that a couple needs to strike. And I think that's what we've got that right. Yeah. Valentine's Day ka dinner tha. And I remember the steak was in the shape of a heart and all, no? Remember? Yeah. What? No. Yes, of course. It looked amazing. It looked like a big fat steak. Not the ring. What are you talking about? Steak. Everything was in the shape of a heart. I couldn't see. The food. I was too nervous proposing to you. No, I didn't remember the food, no. Oh, he doesn't remember the food. Zara dekhiye kaise Suchitra gana ga rahi hai aur Lars unke liye Punjabi dance kar rahe hain. Favorite gana tha Aamir Khan ki picture Lagaan se. To gana main gaati hu aur dance karenge Lars. So 1, 2, 3 here, please look what he's going to do. 1, 2, 3 Sun mitwa, o mitwa,
तुझको क्या डर है रे धरती रे धरती रे अपना अंबर है रे सुन मितवा ओ मितवा तुझको क्या डर है रे ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे ओ आजा पागल दो लोग हियर दीस टू कहा जाता है कि शादी के बाद अगर ऐसा हो जाए तो मियां बीवी की शक्ल में लगती है तो जरा इसका इम्तिहान लार्स और सुचित्रा के साथ लिया जाए देखते हैं क्या ये एक दूसरे की आंखों ही आंखों में देख के एक दूसरे का चेहरा पेंट कर पाते हैं कि नहीं hey! One second. How are we supposed to know where is the... Why are you looking down? This is second time you're looking down. See, now use my hand. Now I don't know where to draw the hair. Okay, you look once. See, now I can look down one more time also. No. No. Don't tell lies. What are you doing? It's done. Over. Stop. Ah, oh, yeah. Wow. See this? That's not pretty good, no? Oh, lovely, Lars. And the winner is, please, please. I look like please. A combination of Dara Singh and... is that prize? भाई इनकी शादी को तो अरसा हो गया लेकिन लगता है इनका रोमांस अभी भी जवान है खैर कोई बात नहीं हम इनके प्यार का इम्तिहान लेते हैं खेलते हैं ये गेम वैसे सुचित्रा और लार्स के घर पर यह है कन्फेशन टेबल तो यहाँ पर जरा इनका एक और प्रेम का इम्तिहान लिया जाए क्रिश्त्री व्हिच यू हैड टू सी एट लीस्ट फोर टाइम्स बिकॉज ऑफ माय डॉटर हर बर्थडे पार्टी को वही पिक्चर देखना था वन मंथ आई सॉ थ्री टाइम्स यस All three birthday parties he had to take Anika और वो तीनों birthday parties में क्रिश थ्री को देखा इन्होंने। लार्स और सुचित्रा की शादी intercaste नहीं intercountry थी। जो traditional मलयाली ceremony थी in Cochin। हाँ और एकदम चंपू मास्टर तो लार्स थे because he was sweating yeah fully then that is लार्स और उनकी मम्मी डेनमार्क के चर्च में जहाँ पे हम लोग ने शादी की थी Lars walking down the aisle, the white wedding. After that, हमारी छोटी सी ज़िंदगी. तो ऐसे में कैसे दोनों ने अपने relationship को अब तक बचाए रखा है? वैसे इन दोनों की एक बेटी भी है. Sadly, she's wearing the dress that Wendell Roderick made for her. Yeah, he sent it when for her naming ceremony. So that's Anika. और इनकी केमिस्ट्री को देखकर लगता है कि शादी के बाद भी इन दो अलग ही कपल्स का रोमांस अभी भी बरकरार है सास बहु ओह बेटिया कासा भी दाशा को हैप्पी वैलेंटाइन्स सास बहू और बेटियों के सभी दर्शकों को सुचित्रा पिल्ले और लार्स कैल्सन की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे होप यू ऑल फाइंड द लव दैट यू ऑल आर लुकिंग फॉर आपकी दुनिया आपकी जिंदगी हमेशा प्यार से भरी रहे तो इन शादी से जोड़ों की तरह आप इस वैलेंटाइन अपनी मोहब्बत की रोशनी हमेशा जलाए रखिए मुंबई से श्रुति बजात्या और नूपुर मौची के साथ आज तक ब्यूरो